डीजी मां शारदी स्टूडियो कासगंज। आइए गौर करते हैं, मां शारदे स्टूडियो कासगंज के माध्यम से रीना यादव बरखरिया वालों की आवाज में एक ऐसी कहानी जिसमें दहेज एक गरीब बेटी के लिए अभिशाप बन गया। इस कहानी को लिखा है हमारे निर्मल भैया ने, जो ग्राम अम्बारी जिला एटा के निवासी हैं। तो आइए गौर करते हैं। कंठ मेरा जो शारदे और करो हृदय में बास, ज्ञान की ज्योति जलामा एक छोटी सी अरदास। तो आइए गौर करते हैं कहानी की तरफ कि खुशियों के रंग घर में और भरती हैं बेटियां, दो कुल का नाम रोशन करती हैं बेटियां, दो कुल का नाम रोशन करती हैं बेटियां। सुना रही आंखों में आंसुओं को नहीं रोक पा रही, कहानी दहेज की मैं तुमको सुना रही आंखों में आंसुओं को नहीं रोक पा रही। खातिर दहेज की वो दुख दर्द को सही, अपने ही जुल्म करते किन से बुझा कहें, अपने ही जुल्म करते किन से बुझा कहें। खातिर दहेज की तो चलती हैं बेटियां, दो कुल का नाम रोशन करती हैं बेटियां, करती हैं बेटियां। खुशियों के रंग घर में भरती हैं बेटियां, दो कुल का नाम रोशन करती हैं बेटियां, दो कुल का नाम रोशन करती हैं बेटियां। भक्त एक बेटी दो घरों का नाम रोशन करती है, दहेज की खातिर जुल्म होते हैं फिर भी उस दर्द को अपने अंदर छुपाए रहती हैं। ऐसी ही एक गरीब बेटी की दास्तां सुनाने के लिए जा रही हूं, तो सुने भाई बहनों। था एक गरीब सुनो भाई, पति पत्नी जीवन जीते थे, पति पत्नी जीवन जीते थे, था एक गरीब सुनो भाई, पति पत्नी जीवन जीते थे, जिस दिन रोटी ना मिलती थी उस दिन पानी ही पीते थे, वो परिवार इतना गरीब था। ईश्वर की कृपा भई ऐसी घर में कन्या ने जन्म लिया, खुश हुआ गरीब पिता।
खुश हुआ गरीब पिता भारी बेटी को दिल से प्यार किया। भक्त एक गरीब अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन गुजार रहा था, उसके कोई संतान नहीं थी। ईश्वर की कृपा होने से कुछ समय बाद एक कन्या का जन्म हुआ। बेटी को देखकर वो गरीब माँ बाप बहुत खुश हुए। तो सुने, दिन भर करते काम, शाम को जब घर आते हैं, जब उस गरीब की बेटी समझदार हो जाती है। गरीब पिता अपनी बेटी से कहने लगा है, और क्या बोला है सुनो बेटी। बेटी से एक दिन बोले हैं पापा, उम्र शादी की हो गई तुम्हारी, सपनों का घर है बसाना। बेटी ये
तो वो गरीब पिता एक दिन अपनी बेटी से कहने लगा, बेटी मुझ पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, समय पर तुम्हारे हाथ पीले कर दूं। यही हर पिता का बेटी के लिए यही सपना होता है। पिता की बात सुनकर बेटी रो करके कहने लगी है कि सुनो पिताजी, पाला दुख दर्द उठा करके, सुनो पिताजी, पाला दुख दर्द उठा करके कैसे मैं छोड़ के जाऊंगी। सुनो पिताजी, ससुराल में ना जी पाऊंगी। मैया बबुला को छोड़ के मैं ससुराल में ना जी पाऊंगी। बेटी कहने लगी है, पापा मम्मी मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो वो गरीब पिता कहने लगा है और क्या बोला है, सुनो बेटी तुम क्या कह रही हो। बेटियों की यही रीत बेटी, छोड़े माँ बाप को जाना पड़ता। सुनो बेटी, बेटी होती है वो पराया धन होती है, उसे दूसरे के दरवाजे पर जाना ही जरूरी होता है। बेटियों की यही रीत बेटी, छोड़े माँ बाप को जाना पड़ता। हर सुहागिन की ससुराल होती, सुनो बेटी, हर सुहागिन की ससुराल होती, मायके में सदा कोई न रहता। हर सुहागिन की ससुराल होती, मायके गरीब पिता कहने लगा, बेटी एक दिन हर लड़की को ससुराल जाना ही पड़ता है, और फिर मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। इतना कहकर वो गरीब पिता अपनी बेटी की शादी की तैयारियां करता है। तो सुने भक्तों, बेटी के लिए गरीब पिता सुंदर लड़का लखियाता है, मेहनत मजदूरी से भैया बेटी का विवाह रचाता है।
सुंदर लड़का लखिया काहे मेहनत मजदूरी से भैया बेटी का विवाह रचाता है। इस प्रकार भक्तों, जब लड़की की शादी हो जाती है और गरीब माँ बाप उस लड़की को विदा करते जाते हैं और रो रो कर कहते हैं, और क्या कह रहे हैं, बस इतना ही संग था बेटी सुनो हमारा, बस इतना ही संग था बेटी सुनो हमारा। खुश रहना जीवन में बेटी आशीर्वाद हमारा, बस क्या बोला है बेटी से, बड़ी गरीबी में बेटी पापा ने तुम्हें पाला, बड़ी गरीबी में बेटी पापा ने तुम्हें पाला। कष्ट कभी ना डाल,
ससुर पति की सेवा करके खुशियां भरना। सासु ससुर पति की सेवा करके खुशियां भरना। जाओ सपनों की दुनिया में चमके सदा सितारा, बस इतना ही संग था बेटी सुनो हमारा, बस इतना ही संग था बेटी सुनो हमारा। बस इतना ही संग था बेटी सुनो हमारा, बस इतना ही संग था बेटी सुनो हमारा। खुश रहना जीवन में बेटी आशीर्वाद हमारा, गरीब पिता कहने लगा, बेटी हमारा तुम्हारा साथ यहीं तक का था, अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देकर विदा करता हूँ। ससुराल में जाकर सास ससुर पति की सेवा करना और अपने सपनों का संसार बसाना, इस प्रकार बेटी डोली में बैठ करके जाती है। कैसे जा रही है? बेटी चली पिया के साथ अंगना सुनो करे बाबुल को, बेटी चली पिया के साथ अंगना सुनो करे बाबुल को, झूठी सब संग सहेली बचपन में जिन संग खेली, झूठी सब संग सहेली बचपन में जिन संग खेली, रह गए घर रोबत मां बाप अंगना कर सुनो बाबुल को, बेटी चली पिया के साथ अंगना सुनो करे बाबुल को, सुनो करे बाबुल को अंगना सुनो करवा।
नमस्कार भक्तों, बेटी माँ बाप का सूना घर करके ससुराल पहुँच जाती है तो क्या होता है भक्तों? गई ससुराल का बेटी वो शुभ दिन आज आया है। ससुराल में जब बेटी पहुंचती है, कुछ ही दिन गुजरे तब तक दहेज की खातिर बेटी में आग लगा दी। आज वो बेटी जल रही है और अपने गरीब माँ बाप को याद कर रही है, कह रही है वो बेटी छोड़ के जग जाती है बेटी आज तुम्हारी, छोड़ के जग जाती है बेटी आज तुम्हारी, मिल
जन्म अगर दो बेटी का धन पहले दे देना, अब ना मिल पाएगी पापा और दिल की राज दुलारी, छोड़ के जग जाती भक्तों, दहेज की खातिर अपने प्राण वो बेटी खो देती है।